हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम जा रहे हैं ग्लासगो। अभी हम हैं डबलिन एयरपोर्ट पे और हमारा चेक इन हो गया है और हम क्यू में खड़े हैं प्लेन में बैठने के लिए। हे गाइस, तो अभी हम लोग पहुंच गए ग्लासगो। तो यहाँ पे वेदर तो काफ़ी ख़राब दिख रहा है, बारिश शुरू है और अभी बजे सुबह के 8। तो अभी हम लोग जा रहे हैं होटल में, चेक इन करेंगे और देखते हैं आगे का प्लान क्या होता है। तो बारिश रही तो कुछ अलग करेंगे। सो अभी हम हॉलीडे इन, ये हमारा होटल है, हम पहुंच गए हैं। उधर हमने हमारा लगेज रख दिया है क्योंकि हमारा चेक इन था 3 बजे। सो इसलिए हमने अभी अपना हमारा लगेज रख दिया है। तो अभी हम आए हैं ऐसे निकले हैं घूमने और हमारे एग्जैक्ट होटल के सामने इतना बड़ा रिवर है, डबलिन से बड़ा है ये रिवर। ब्रेकफास्ट करने तो इधर जा रहे हैं, रिवर साइड कॉफी करके एक कैफे मिला है तो उधर जाते हैं, देखते हैं कैसा है। तो अभी हम लोग आए यहाँ पे सिटी सेंटर में। तो सिटी, आज तो वेदर थोड़ा अभी खुल रहा है तो सिटी में अभी आए हैं। यहाँ पे शायद ये है, क्या बोलते हैं, इनके जो वॉर में जो लोग लड़े थे तो उनके लिए ऑनर एंड रिस्पेक्ट के लिए हम लोग ने ये बनाया है। तो अब पता नहीं अंदर जा सकते नहीं जा सकते, पता नहीं मेरे को भी, पर देखते अभी कैसा है। अच्छा लिखो, अच्छा रहा है। तो अभी हम लोग आए हैं ये क्या बोलते हैं ग्लासगो टूर, सिटी टूर के लिए। तो बस में बैठ गए अभी हम लोग। ये एग्जैक्टली डबलिन के फिनिक्स पार्क जैसा लग रहा है मेरे को। अरे बस भी जा रहे अंदर भाई, इधर तो और वैसा ही है स्टैचू इधर। ये बोले थी छोटा सा ग्लासगो ग्रीन करके है बोले स्पॉट, जहाँ पे एंशिएंट टाइम पे लोग ऐसे आके मीटिंग करते थे, इम्पोर्टेंट मीटिंग्स, बातें जो भी उनके वॉर के टाइम पे होते थे वो सब। पीपल्स पैलेस नाम है इसका। तो मैं अभी यहाँ कब से इसको आवाज़ दे रहा था, तो इसको तो पता नहीं आवाज़ नहीं आ रहा क्योंकि हम लोग को ऐसे हेडफोन दिए हैं और वो कमेंट्री शुरू है कि रास्ते में अभी ये राइट में ले ये है, लेफ्ट में वो है, तो इसको तो कुछ सुनाई जा भी नहीं रहा, तब से बुला रहा हूँ इसको मैं। तो अभी हमको ऐसा एक मैप दिया गया है, हमने सोचा कि बारिश शुरू है तो क्यों ही पूरा पैदल सिटी घूमने का। तो ये सिटी टूर वाला बस कर लिया है, ये पूरा सिटी घुमा देगा हमको, कितने स्पॉट है उसके, ओवरऑल 18-20 स्पॉट कुछ, तो 21 स्पॉट है सॉरी, और 2 घंटा लगेगा, मतलब ठीक है, अच्छा है ये। अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, ये बस में हमको होटल भी छोड़ देगी क्योंकि यही होटल है हमारा, तो अच्छा है भाई। ये है ग्लास इंडोर शॉपिंग सेंटर है बोलते। 1976 में ये मॉल बना था इंडोर, सही है। काफी पुराने बिल्डिंग्स है यहाँ पे। इन लोग के पास बस का वाइपर नहीं है, तो बस नीचे के वाइपर है बोले, ऊपर वालों का वाइपर नहीं है। तो अभी हम लोग ऐसे देखना पड़ रहा है, हमें कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है ढंग से।
1800 में जो कि दुनिया की वर्ल्ड की पहली सबवे ट्रेन थी, जो कि 1870 में कुछ तो हुआ था और बाद में उसको रिनोवेट विनोवेट करके ऑटोमेटेड ट्रेन बनाया था बहुत सालों पहले। अबे ये पता नहीं, ग्लासगो छोटा सा शहर है पर बहुत सारे होटल दिखे मेरे को, ये तो सामने भी कुछ तो दिख रहा है बहुत ही बड़ा है। ये अपना सिडनी में वो था ना लोटस हाउस, दिल्ली में भी अपना है लोटस हाउस टाइप ऐसा कुछ, तो उसका रिप्लिका लग रहा है मेरे को। ये बिल्डिंग बोले इन लोग के पास्ट को देख के बनाई है, क्योंकि ग्लासगो में पहले बहुत सारे शिप यार्ड्स थे, तो ये उन सब का इंस्पिरेशन, उनका हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने ऐसा थोड़ा शिप का शेप दिया उसको। ये है क्लाइड पोर्ट, यहाँ पे मतलब ऑब्वियसली शिप्स का डॉकिंग वॉकिंग कुछ होता होगा। सामने है रेडिसन ब्लू जो कि है पिंक कलर की, रेडिसन ब्लू नहीं है, रेडिसन रेड है, उनके ऊपर लिखा भी है रेडिसन रेड, पता नहीं कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, तो क्योंकि बारिश भी शुरू हो रही थी तो दिखने की कोशिश करता हूँ मैं। रेडिसन रेड है। ये जो पिंक में दिख रहा है ये पूरा का पूरा वॉक वे है, पूरा कवर्ड है, बहुत ही क्लासिक लगा मेरे को, वो पूरा कवर्ड है एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का, और पीछे है वो स्टेडियम उनका। ये ग्लासगो का रिवर साइड म्यूजियम है, इसमें शिप्स भी जाते हैं, शिप्स भी दिख रही है मुझे। पहले यहाँ पे शिप्स भी बिल्ड करते थे बोले, कार्स और बाइसिकल भी बिल्ड करते हैं। कोई तो लाइब्रेरी है बोले, 1911 में बनी थी, यूरोप लार्जेस्ट पब्लिक लाइब्रेरी। तो अभी हमको कमेंट्री में ये बता रहे थे कि मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स जो आपने वीडियो में भी नोटिस किया होगा कि बहुत सारे वीडियो में सारे के सारे बिल्डिंग्स के कलर ऐसे सैंडस्टोन कलर के या फिर थोड़ा हल्का पिंक कलर के स्टोन के बने हैं, तो देख रहे होगे, तो वही वो बोला था कि पहले दो ही कलर यहाँ पे पूरे यूज होते थे, ये दो, तो यही दो कलर के सारे बिल्डिंग है पूरे ग्लासगो में। वो केविन ग्रुप पार्क, यहाँ पे फेमस पार्क है केविन ग्रुप पार्क, और ये है यूनिवर्सिटी एवेन्यू। और ये है केल्विन ग्रू आर्ट गैलरी एंड म्यूजियम, सो इसका वीडियो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। सो अभी हम पूरा वो बस में घूम फिर के हमारे होटल के पास एक वो मॉल था, बहुत पुराना मॉल है ये, तो उस मॉल में आए हैं, बहुत बड़ा भी है, तो मॉल में आए हैं, देखते हैं अभी क्या कुछ खाते हैं, नहीं तो फिर घूमते हैं थोड़ा सा। सो अभी हम आए हैं एक इंडियन रेस्टोरेंट में जिसका नाम है द ढाबा, और बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है और इंटीरियर भी बहुत अच्छा है इनका, अब देखते हैं खाना कैसा है। चेकिंग कर लिया है तो अभी हम रूम में जाते हैं, क्या नाम हो रहा है अपने रूम का? 433।
तो ये है हमारा छोटू सा रूम। आइए, ये कपड़े रखने के लिए जगह, ये है प्रेस करने का, ये है सुखाने का कपड़े, ये है बाथ रूम, छोटा सा बाथरूम है, यहाँ पे बेसिन, और ये है शॉवर एरिया, वो है, और ये है टॉयलेट दिखा है, टॉयलेट और ये है छोटी सी रूम हमारी, बेड, सोफा भी है और थिएटर भी है, अच्छा हुआ टीवी भी है और कॉफी, अच्छा हुआ कॉफी। व्यू देखते बाहर क्या है, तो व्यू तो यहाँ पे सिटी का है, सिटी का व्यू है इधर से। वैसे ही आए हैं घूमने को रात को, सिटी सेंटर के पास एक होटल है, तो ऐसे ही आए हैं, बाहर निकले हैं, अभी बारिश भी बंद हो गई है, तो आए हैं घूमने, देखते हैं क्या है तो इधर। और गाइस अभी हम आए हैं एक इधर सेंसबेरी करके शॉप है, उधर पानी लेने आए हैं। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस व्लॉग, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल विच इज़ लव लाइफ एडवेंचर। बाय गाइस।